राहुल गांधी के आज सदन में दिए गए भाषण के बाद स्मृति ईरानी आग बबूला हो उठी। राहुल गांधी के भाषण के बाद स्मृति ईरानी ने अपनी बात की शुरुआत ये कहकर कही कि आज सदन में भारत माता की हत्या की बात हुई और उस पर कांग्रेस ने ताली बजाई। स्मृति ईरानी बेहद आक्रामक अंदाज में रही। राहुल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आज तक हमारे संसदीय इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात करने वालों ने कभी मेज नहीं थपथपाई थी, आज कांग्रेसी नेताओं ने यह भी कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में आज अपना जो संबोधन दिया, सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी के तुरंत बाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान नहीं है, भारत मेरिट पर भरोसा करता है, वंशवाद पर नहीं। भारत माँ की हत्या पर तालियां बजाई गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार भारत माँ की हत्या की बात और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी है विपक्षी सदस्यों ने, यहाँ आज हिंदुस्तानी होने के नाते मैं कहती हूँ कि मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्हीं के गठबंधन के एक सदस्य जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत है, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो उनके सहयोगी को मुंह तोड़ जवाब दें। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी इस तरह के कटाक्ष करने वाले का खंडन करके बताएं। कांग्रेस के एक नेता ने कोर्ट में जाकर वक्तव्य दिया कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, अगर हिम्मत है तो गांधी खानदान कांग्रेस के उस नेता पर वक्तव्य दे, क्या भारत नहीं है, क्या भारत विभाजित हो या कांग्रेस के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार है? हमारे संसदीय इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात कहकर कभी भी मेज नहीं थपथपाई गई, इन्होंने मेज थपथपाई है, यह बात करते हैं क्या इंसाफ है, चेहरा धूमिल है। कश्मीरी पंडितों को लेकर भी स्मृति ईरानी ने जिक्र किया। दरअसल पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ आज राहुल गांधी के भाषण के बाद। राहुल गांधी भाषण में आक्रामक रहे, भारत माता को लेकर उन्होंने तमाम बातें की, बीजेपी के झूठा होने को लेकर बातें की, और जैसे ही राहुल का भाषण खत्म हुआ स्मृति ईरानी मैदान में उतरी। बेहद आक्रामक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, राहुल गांधी को घेरना शुरू किया। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पटकुनी दे चुकी स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद आक्रामक मोर्चा लिया। अपना भाषण देकर राहुल गांधी निकल गए, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी बात सुनना ही नहीं चाहते, सदन में संवाद करना ही नहीं चाहते, यही कारण है कि जवाब सुनने से पहले ही वो निकल गए। स्मृति ईरानी बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।